टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे नगर पुलिस ने साइबर फ्रॉड मामले में झारखंड के जामतारा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ठाणे शहर की एक युवती का क्रेडिट कार्ड इनएक्टिव हो गया था, जिसके बाद इस युवती ने गूगल से सर्च कर कस्टमर केयर का नंबर निकाला और उसे संपर्क किया, जो कि ये एक फ्रॉड नंबर था। और युवती के अनुसार जिस तरह से उसे फ़ोन पर बताया गया उसी तरह से वो करते हुए चली गई और ओटीपी देते ही उसके अकाउंट से करीब 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, जिसके बाद इस युवती ने ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और जांच पड़ताल के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पीएसआई अजीत बड़े अपनी टीम के साथ झारखंड के लिए रवाना हो गए। स्थानीय पुलिस के सहयोग से झारखंड के जामतारा से प्रभु मंडल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो और आरोपियों के नाम सामने आए थे जो फरार बताए जा रहे हैं। बड़े ही मुश्किल से इस आरोपी को महाराष्ट्र लाया गया, क्योंकि गांव वालों की भीड़ इन्हें लाने नहीं दे रही थी, मगर किसी तरह से महाराष्ट्र इस आरोपी को लाया गया। आरोपी के पास से 7 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 48,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाणे शहर सहायक पुलिस सोनाली ढोले ने इस पर पूरी जानकारी दी है। ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल इस साइबर क्राइम का वारदात 17 जनवरी को हुई थी। एक JMFC कोर्ट है, उनके मोबाइल पर जो क्रेडिट कार्ड वो यूज़ कर रही थी वो इनएक्टिव हुआ था। इस वजह से उन्होंने गूगल पर सर्च करके एक कस्टमर केयर नंबर को फ़ोन किया था। उस कस्टमर केयर नंबर को फ़ोन करने के बाद उनको आगे से ऐसा सूचना प्राप्त हुई कि आप एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर आगे जो कस्टमर केयर के जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से कहा उन्होंने उस तरह से एक OTP शेयर किया। उसके बाद उनका थोड़ा अमाउंट डिडक्ट हुआ उसमें। फिर उन्होंने जैसा स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा उस तरह के स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए। उसके बाद उनको पता चला कि उनके अकाउंट से लगभग 54,693 रुपये डिडक्ट हो चुके। फिर उन्होंने वो मोबाइल बंद किया, कट किया फ़ोन, और उसके बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने उस दिन कंप्लेंट दिया था। इस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर लैब है जो ठाणे पुलिस की, उनकी मदद से इस केस में 48,000 रिकॉर्ड किए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे पता चला कि ये जो घटना को अंजाम दिया है वो एक्यूज़ झारखंड के जामतारा फापनाड़ एरिया के हैं। उस हिसाब से हमने हमारी टीम PSI बड़े ठाणे नगर पुलिस स्टेशन है उनके नेतृत्व में दो हमारे कर्मचारी है, पुलिस नाइक जादव और पुलिस नाइक पाटिल, इनको वहाँ भेजा था। उन्होंने वहाँ की तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, वहाँ लोकल सपोर्ट इतना नहीं था और जो एक्यूज थे उनके परिजन, पूरा का पूरा गांव इनके खिलाफ इकट्ठा होकर आया था इनको विरोध करने के लिए। उसको टैकल करते हुए उन्होंने एक आरोपी है जो प्रभु मंडल नाम का है, उम्र 23 साल है उसकी, उसको वहाँ से अरेस्ट करके वहाँ के कोर्ट के सामने पेश करके उसको यहाँ पर लाया था, जिसके 5 दिन की हमें PC मिली थी, पुलिस कस्टडी। उसके दौरान हमें उस आरोपी की इन्वेस्टिगेशन में और दो नाम पता चले, संतोष मंडल और एक है जिनको अभी हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे पता चल रहा है ऑल इंडिया में बहुत सी जगह पर इनका रोज का काम था कि ऐसे लोग जो फंसते हैं कस्टमर केयर नंबर दबाने के लिए, या फिर ये खुद किस कई जगह पर फ़ोन करते हैं कि आपका कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, आप ऐसे करो, मतलब जो मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं फ्रॉड, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ लोग जिन्हों को इन साइबर क्राइम की इतनी जानकारी नहीं है वो फंस जाते हैं, वो क्लिक करते हैं जैसा सामने वाला बताता है उन चीज़ों को फॉलो करके OTP शेयर करते हैं, फिर जो कुछ भी उनका बैंक डिटेल्स है जैसे कि CVV नंबर या फिर हमारा जो ATM कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर है वो शेयर करने के बाद इनके जो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और जल्दी से पता भी नहीं चलता इनको किस अकाउंट में पैसे जब ट्रांसफ़र हो जाते तब पता चलता है इनको कि हमारे साथ मतलब चीटिंग हुआ है। इनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद किए और 2 रजिस्टर है उनको, वो जो डे टू डे जो करते हैं उसको मेंटेन करते वो बरामद किया है। PC 5 दिन की मिली थी।
मैं लोगों से यही आह्वान करूंगी कि आप जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप जो कुछ भी अधिकृत संकेत स्थल है या वेबसाइट है जो लीगल है, उसी से आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है या परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो करिए। फेक यानी कि गूगल पर सर्च करते हो अमेज़न कस्टमर केयर या फिर इस तरह से, उस नंबर का यूज़ ना करें।